साड़ी संस्था हैगी जी करमा स्ट्रीट सेवा एनिमल वेलफेयर सोसाइटी। असं पूरे अमृतसर शहर के फ्री ट्रीटमेंट तो रेस्क्यू प्रोवाइड कराने सारे पशु पक्षी के व्डे छोटे जानवरों को। अज असी वर्दी गर्मी को देखते हुए सारे पशु पक्षी के जानवरों से एक पानी के बर्तन तो 500 एक बूटे की मुहिम लैके आए हैं, जिद असी 300 पानी का बर्तन पशु पक्षियों से वंड रहे हैं तो लगा रहे हैं। 500 एक बर्तन 500 एक बूटा असी पूरे अमृतसर शहर के लगाने की मुहिम शुरू की है। कारण क्या हो रहा है? गर्मी के कारण तो पशु पक्षियों के चंगे वास्ते असी एक मुहिम शुरू की है। बॉक्सर बनया जो सीमेंट का जिद पानी पा के रखा तो उन्होंने वास्ते गर्म तपती गर्मी के भी ठंडा रहेगा। इस तरह के होर उपराले पहले भी किए गए करमा स्ट्रीट सेवा एनिमल वेलफेयर सोसाइटी वालों तो होर भी अगे किए जाएंगे। बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट जे पूरे अमृतसर शहर के किसी कोई घायल पशु पक्षी कोई वड़ा जानवर छोटा जानवर नज़र आता वह भी पूरा इलाज साड़ा करमा स्ट्रीट सेवा एनिमल वेलफेयर सोसाइटी देती है। पूरा ट्रीटमेंट फ्री ऑफ कॉस्ट हों नार एनवायरमेंट वास्ते भी साड़ी करमा स्ट्रीट सेवा एनिमल वेलफेयर सोसाइटी जो होगी काम करती है। सर जो करमा स्ट्रीट जी है इन्हों की एन जी ओ करण मेरी भी है उन्होंने अज 500 बूटा तो 300 जोड़े बाउल जोड़े डिस्ट्रीब्यूट किए ने पंछियों वास्ते और डॉग्स वास्ते पानी जोड़ा है कि लोग अपने घर के बाहर रखन क्योंकि गर्मी बहुत है तो जोड़े डॉग्स ने वह भी गर्मी जोड़े बेहाल हो जाते हैं एग्रैसिव हो जाते हैं तो पानी पीनगे तो वो थोड़ा उन्होंने ठंडक पहुँचेगी और पंछी भी जोड़े मर रहे हैं गर्मी तो उन्होंने भी पानी जोड़ा है वह देने वास्ते बाउल रखे गए हैं। उपराला बहुत वधिया है जिस तरह कह रहे हैं कि पेड़ जोड़े घट घटते जा रहे थे वो गर्मी वही जा रही है तो इस करके इन्होंने पेड़ों का भी अच्छा उपराला किया कि बूटे लगावे तो जो सा आने वाला कल है वह पर्यावरण जो साफ सुथरा होएगा। हाँ जी सर करमा स्ट्रीट सेवा जी हैगी है करण बेरी जी वालों चलाई जा रही है तो बेजबान जानवरों के हित चलाते हैं तो वातावरण का भी पूरा ध्यान रखते हैं। इस बार इन्होंने 501 के करीब जो बाउल है पशु पक्षियों के लिए डिस्ट्रीब्यूट किया वो जोड़ा पौधे ने वो भी वंड रहे हैं ताकि तुम देख रहे हो कि अज के समय के जो पुराने टाइम तो गर्मी सी तो इस साल जो गर्मी जो वातावरण है बहुत ज़्यादा गर्मी हैगी है तो प्लांटेशन कितनी जरूरी है सारे समाज को पता वा तो बहुत इनिशिएटिव मैं कहूँगा जिहड़े यंग बच्चे अगे आ रहे हैं इस चीज़ के मैं एप्रीशिएट करदा इन्हों तो बहुत ही अच्छी मुहिम है आशा करते हैं कि अगे भी जिहड़े इस तरीके की जिहड़ी मुहिम है जारी रखेंगे जिहदे नाल वातावरण भी अच्छा रहेगा तो नाल पशु पक्षियों की भी हेल्प होंगी रहेगी। सर ये तो अच्छा है इसलिए वैसे बड़ा अच्छा कैंप लगाया एक तो डॉग्स के लिए और सबसे में ट्री के लिए। ट्री के ये है कि जब तक ट्री बड़े होंगे छाँव हो जाएगी डॉग्स उसके नीचे बैठ जाएंगे। तो ये जो वाटर बॉल दिए जा रहे वाटर बॉल डॉग्स के लिए लगाए हैं कि पानी वगैरह उनको मिले दूध डाल दें वैसे तो करना सभी को चाहिए लेकिन करता कोई है नहीं है इसीलिए लगाया कैंप के धीरे धीरे थोड़ी इम्प्रूव होएगा सारा कुछ। तो जागरूकता की जरूरत है जी है बहुत ज़्यादा है क्योंकि अपनी एग्रेशन हम लोग ना डॉग्स पे निकालते हैं और मैंने ये ऑब्जर्व किया है कि ये जो अपनी फैमिली मेम्बर्स में जो किसी का कहना नहीं मानता बच्चे नहीं कहना मानते सास बहू की लड़ाई है कुत्ता रख के कुत्तों को मारना शुरू कर देते हैं। मुझे तो यही लगता है कि अपनी एग्रेशन हम लोग जानवरों पे निकालते हैं जो गलत है गलत नहीं बहुत ज़्यादा गलत है और इसके लिए रूल रेगुलेशन बनने चाहिए और लॉ भी ऐसे होने चाहिए कि अगर हम लोगों को ज़रूरत है तो पुलिस उसी वक्त पहुँचे ये ना सोचे कि हाँ जी रुके जाएंगे रुक जाओ हमारे पास टाइम नहीं है ये चीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ये सारी चीज़ें।